ये देखिए, ये वो जगह है। मैं पहले दिखा दूं कि जहाँ अभी हम जाने वाले हैं, जहाँ अनवरत पानी बरसात, जैसे बरसात होती है इस तरीके से प्रतीत होता है। ये है उसका टॉप हिस्सा, ऊपर का। देखिए बिल्कुल सूखा है, कहीं आपको पानी नहीं नज़र आ रहा है कहीं पर भी। थोड़ा सा और आगे चल के दिखा देते हैं, कहीं पर भी कोई पानी नहीं, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। ये देखिए, सब सूखा पड़ा है बिल्कुल, कहीं कोई पानी का निशान नहीं है। यहाँ तक कि पक्षी भी अगर प्यासा हो तो यहाँ पानी नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम नीचे पहुँचेंगे तो पहाड़ गीला नज़र आएगा, और ऐसे नज़र आता है जैसे बारिश हो रही हो, बारिश हो रही हो, इस तरीके से पानी गिरता है वहाँ पर। धार के रूप में नहीं गिरता ना, एक एक बूंद टपकता है। तो आइए चलते हैं, उस दृश्य को ज़रूर देखें और देखते हैं कैसा लगता है। आइए, ये रास्ते, रास्ता तो अजीब है, महाराज जी लेके चल रहे हैं देखो साथ में। ये पूरा जंगल है, और यहाँ नीचे बताते हैं एक ऐसी जगह, अद्भुत जगह है, शायद अभी YouTube पर नहीं आई होगी ये, ऐसा मेरा दावा है, और शायद लगा रहा हूँ उसमें, हो सकता है किसी ने दी हो, लेकिन शायद अभी तक YouTube पर नहीं आया होगा ये दृश्य। यहाँ बताते हैं 24 घंटे और 365 दिन, अर्थात हमेशा बारिश होती है ना अद्भुत। चेरापूंजी में बारिश अधिक होती है, लेकिन वहाँ भी बंद हो जाती है बीच बीच में। यहाँ अनवरत बारिश चलती ही रहती है। ये तो ये जंगल है, पूरा जंगल में ही जाना है ये स्थान। चलिए पहले देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में आपको बताते हैं कि कहाँ से कैसे यहाँ आना है। तो पहले तो हम भी देखें, अभी हमने भी नहीं देखा है। चलिए, नर्मदे हर, आज नर्मदे हर करते करते छत्तीसगढ़ के ये जंगलों में घूम रहे हैं, तो एक अद्भुत स्थान पता चला है। तो देखते हैं, चलो पहले हम भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं साथ में, फिर उसके बाद बताएंगे आपको कि यहाँ कैसे पहुँचना होगा और कैसे आना होगा, क्या सुविधाएं हैं, ये सारी जानकारी आपको दूंगा। आइए देखिए, ये बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये चेरापूंजी टाइप ही लग रहा है जी। यहाँ पर देखिए पानी की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी आपको, और ये है गुफा टाइप। देखिए ये पानी टपकता रहता है, ये है यहाँ पर, ये हमेशा 24 घंटे ये पानी टपकता है। ये देखो इस तरह, ये चाहे गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, ऐसे ही पानी टपकता रहता है यहाँ पर। तो ये देखिए, ये इस तरीके से, ये देखो दिख रहा है कि बारिश हो रही हो, ये आगे और है भगवान। अच्छा देखिए, महाराज जी हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं, और महाराज जी के ही सपोर्ट से ये संभव हो पाया है। अरे यार भीग जाएंगे आप। हाँ ये देखिए, यहाँ एक महात्मा जी भी रहते हैं। अच्छा महाराज जी ही रहते हैं यहाँ पर, महाराज जी का स्थान वहाँ भी है, यहाँ भी है। ये बहुत सुंदर, कम दिख रहा था। देखिए ये है, ये बिल्कुल 24 घंटे ऐसे ही अनवरत, आप देख रहे होंगे पानी की बूंदें, देखो ये ऐसे ही बरसती रहती हैं हमेशा, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, यहाँ ये जलस्तर इतना ही रहता है। इसी तरीके से देखिए, आप देख रहे होंगे कैमरे में तरीके से, ये देखिए ये ऐसी ही बारिश होती रहती है। ये लग रहा है जैसे देखो बारिश हो रही हो। ये स्थान शायद कहीं किसी ने कैच किया हो कैमरे में, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। और उधर ये वाटरफॉल टाइप का है, जो पानी की आवाज़ आ रही है, लेकिन ये स्थान इसी तरीके से ऐसे ही झरता रहता है, ये पानी टपकता रहता है। यानी टपकता नहीं, टपकना चीज़ अलग हो गई, ये बारिश हो रही। देखिए
आप देख रहे हैं अनवरत बारिश हो रही है। यहाँ से आपको ये लग रहा होगा जैसे कि हम यहाँ बारिश हो रही हो, बारिश में हम खड़े हों, बिल्कुल इसी तरीके से ये दृष्टिगोचर होता रहता है ये। और नीचे काफ़ी गहराई है, और यहाँ पर देखिए महाराज जी का एक छोटा सा स्थान भी है, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। बाबा गोविंद दास जी यहाँ कभी रहा करते थे, और ये बहुत ही अच्छा स्थान लगा, आनंद आ गया। ये महाराज जी बाबा गोविंद दास जी 108। ये पर्दा थोड़ा सा, अरे वाह, ये भगवान बहुत सुंदर स्थान है, और भोले बाबा यहाँ विराजमान है मूर्ति रूप में, है ना। हाँ, यहाँ पर भोले बाबा मूर्ति रूप में है, बहुत ही सुंदर स्थान, आनंद आ गया बहुत अच्छा। यहाँ देखिए वाटरफॉल भी है, वाटरफॉल का भी आनंद आता है। ये देखिए सामने जी, उसमें गिरते रहता है, ऐसे ही गिरता रहता है। अच्छा, वो भी पानी ऐसे ही गिरता है, बरसात में बढ़ जाता होगा, बढ़ जाता है, और गर्मी में ऐसे इतना ही चलता रहता है, सब ऐसे ही रहता है। भगवान बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी जगह लगी। अच्छा, भयंकर गर्मी में आएंगे तो, हाँ भयंकर गर्मी में आएंगे तो भी अच्छा लगेगा। ये देखो ऐसे पानी बरसते ही रहता है, अरे वाह। और ऊपर ऊपर देखते हैं तो ऊपर तो बिल्कुल सूखा रहता है, ऊपर तो भगवान सूखा भी, हम लोग ऊपर से ही तो आ रहे हैं, ऊपर बिल्कुल सूखा रहता है, यहाँ पानी गिरता है और पत्थरों से पानी निकलता है, पता नहीं कहाँ से आता है। अरे वाह, ठंडा रखा है पत्थर, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। जय भगवान की, बहुत अच्छा स्थान लगा। महाराज जी की कृपा से हम यहाँ तक आ सके हैं, और अभी हम आपको यहाँ आने की भी बताएंगे कैसे कैसे आना होगा। स्थान बहुत अच्छा है, गर्मी के सीज़न में अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो अच्छा है, और एक पिकनिक स्पॉट भी है, देख सकते हैं, अच्छा स्थान है जी। पहाड़ देखिए ना, पूरा पहाड़ है, पहाड़ के नीचे है, और ये बिल्कुल चेरापूंजी जैसा लग रहा है यहाँ पर माहौल। वाह, देखिए मित्रों, मैं यहाँ के बारे में बता दूँ आपको। पहले तो ये देखिए क्लाइमेट यहाँ का, यहाँ बिल्कुल हमेशा ऐसे ही रहता है कि जैसे बारिश आने वाली है, यानी धूप बहुत कम रहती है, छाया ही रहती है ये, और रहते हैं जैसे बादल हो रहे हो, तो ये तो यहाँ का क्लाइमेट है। अच्छा, यहाँ आपको पहुँचना कैसे है तो इसके लिए मैं बता दूँ, छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में अकलासराई, और अकलासराई से भी अंदर आप जंगल में जाएंगे तो ये है बंसीपुर। तो जाना कैसे है ये हम आपको बताते हैं। तो मनेंद्रगढ़ जब आए पहुँचेंगे आप, तो मनेंद्रगढ़ से गुमला रोड पे लगभग, मनेंद्रगढ़ से ये जगह पड़ती है 55 से 60 किलोमीटर, लेकिन गुमला रोड पे हाईवे पर आप आएंगे तो हाईवे पे लगभग आपको 30 किलोमीटर चलना होगा, 30 या 35 किलोमीटर। उसके बाद फिर पहाड़ पारा करके एक जगह आती है, एक गांव आता है छोटा हाईवे पर, पहाड़ पारा से अगर मनेंद्रगढ़ से आ रहे हैं तो आप लेफ्ट टर्न करेंगे, लेफ्ट टर्न फिर आपको लगभग 25 किलोमीटर जंगल में चलना होगा, लगभग 25 किलोमीटर जंगल में चलेंगे तब फिर आपको ये स्थान प्राप्त हो। भगवान, इस स्थान का नाम क्या है? अमोरी धारा। हाँ, ये देखिए भगवान बता रहे हैं प्रभु कि ये अमोरी धारा करके जगह है, अगर वहाँ पूछेंगे तो बता देंगे लोग, तो आप रास्ते में पूछ के आ सकते हैं, यहाँ कोई कन्वेंस नहीं है, आपको अपने वाहन से आना पड़ेगा या मनेंद्रगढ़ से आप टैक्सी ले सकते हैं, इसके अलावा आप अपने वाहन से आ सकते हैं, और कोई चीज़ नहीं है आने की। तो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, हमें ये जगह पसंद आई जैसा कि हमें बताया गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इस जगह को देखा जाए, और साथ साथ जो है हम आपको भी दर्शन करा दें इसके। तो हमें तो पसंद आई, अब आप लोगों को कैसा लगा ये नहीं बता सकते हैं, तो चलो देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का।
देखिए एहसास प्रकृति का ही एहसास है यहाँ पर, तो इसलिए मुझे लगा कि बना लें। नर्मदे हर, पूरा पहाड़ गीला रखा है और ऊपर घास है, इसके ऊपर अगर आप पहुँचेंगे तो सूखा मैदान है, कहीं कुछ भी नहीं है। तो कहाँ से ये पानी आता है ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। और पानी आता है, धार गिरता है या थोड़ी थोड़ी बूंद टपकता है, अलग बात है। वहाँ तो ऐसे गिरता है उस जगह पर कि जैसे मानो बरसात हो रही हो। तो जी ला रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। देखिए बिल्कुल कैसी घाटी है, जंगल है बिल्कुल। यहाँ तो जंगली जानवरों का भी डर रहता होगा। ये बहुत सुंदर लग रहा है, आनंद आ गया भाई। एहसास प्रकृति का, ये इस तरीके के दृश्य मन को बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए बहुत ही आनंददायक। नर्मदे हर, ये देखिए ये चमक जो है बिल्कुल जैसे ये लग रहा है जैसे ऑयल हो, ऑयल की तरह लग रहा है। अभी ये है क्या पता नहीं, इसी में से निकलता रहता है ऐसे इसी तरीके से पत्थर, पता नहीं क्या है ये, चेरा पूंजी ही है जी मान लीजिए आप। ये देखिए ये वो जगह है, मैं पहले दिखा दूं कि जहाँ अभी हम जाने वाले हैं, जहाँ अनवरत पानी बरसात जैसे बरसात होती है इस तरीके से प्रतीत होता है। ये है उसका टॉप हिस्सा ऊपर का, देखिए बिल्कुल सूखा है, कहीं आपको पानी नहीं नज़र आ रहा है कहीं पर भी। थोड़ा सा और आगे चल के दिखा देते हैं, कहीं पर भी कोई पानी नहीं, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। ये देखिए सब सूखा पड़ा है बिल्कुल, कहीं कोई पानी का निशान नहीं है। यहाँ तक कि पक्षी भी अगर प्यासा हो तो यहाँ पानी नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम नीचे पहुँचेंगे तो पहाड़ गीला नज़र आएगा और ऐसे नज़र आता है जैसे बारिश हो रही हो, बारिश हो रही हो, इस तरीके से पानी गिरता है वहाँ पर। धार के रूप में नहीं गिरता, ना एक एक बूंद टपकता है। तो आइए चलते हैं, उस दृश्य को ज़रूर देखें और देखते हैं कैसा लगता है। आइए, ओम नमो नारायण। भगवान अपना शुभ नाम गोविंददास, गोविंद, अच्छा वो नाम लिखा हुआ है आपका, श्री 108 श्री गोविंददास, गोविंददास जी, अच्छा अच्छा। तो वहाँ तो आपके दर्शन नहीं हुए और चलो हमारा ये सौभाग्य है कि रास्ते में देखिए आप मिल गए। तो भगवान उस वहाँ के बारे में जानना चाह रहे थे, वो जो पानी गिरता है जैसे लगता है बारिश हो रही हो, ये हमेशा होती रहती है? अच्छा, मई जून में गर्मी पड़ती है? हाँ, बहुत ठंड रहता है तभी गर्मी में पानी गिरता रहता है, बस बरसात। अरे वह रहेगा झरझर झरझर जाए कि पानी गिर रहा है, बरसात बरसात जैसा। हाँ, लेकिन थोड़ी सी जगह में होती है, लेकिन वो बिल्कुल बरसात जैसी होती है। तो भगवान यहाँ लोग भी आते होंगे देखने के लिए? यही तो अभी कमी है, लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है, जानकारी के कारण नहीं आ पाते हैं। एक बार किए रहे तो बिलासपुर से राधा कृष्ण जस साहब आए, कलेक्टर आए थे, इसको ही पर्यटन किए। अच्छा, हाँ, ये पर्यटन में हो गया है, चढ़ गया है। अच्छा अच्छा, हाँ, वो आपका धर्म स्थल में, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल में, कोरिया जिला में, कोरिया जिला। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, पर्यटन में चढ़ गया है, अमूरी धारा नाम करके। अमूरी धारा? हाँ, अमूरी धारा, मूरी धारा, अमूरी धारा, अमूरी धारा। ये धर्म स्थल में देखिए ना, कोरिया जिला में। अच्छा अच्छा, कोरिया जिला में। ये भवन यहाँ MCB में पड़ता होगा? नहीं नहीं, MCB जिला है, MCB है कि कोरिया है? कोरिया है, केवल कोरिया है। MCB उधर हो गया, अमृत धारा में तो MCB है, वो मनेंद्रगढ़ हो गया। अच्छा, मनेंद्रगढ़ अब हुआ है, पहले एक तो ये कोरिया जिले में। हाँ, कोरिया जिला में। अच्छा अच्छा, हम समझ रहे थे MCB जिले में, कोरिया जिले में। तो ये आपको कैसे पता चला यहाँ पर? देखिए हमारा ही जन्म भूमि रहा है ना। अच्छा, आप लोकल से ही है? यही रहा। हाँ, हाँ। मैं बचपन में मैंने अनको अनप्राशन किए, हमको ननियाल में ले गई। अच्छा अच्छा, है ना। हाँ। जब मैं यहाँ आता जाता रहा तो स्कूल था, एक से गुरुजी थे जी, तो वो बोले कि बाबा कहे है इसमें को तो मालूम है, कहे आप यहीं रहिए।
अब जब ये भेष में हो गए हैं तो मैं यहाँ आया हूँ, ये भेष में आया, बालक में गया और सन्यास भेष में आया। अच्छा 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 है ना, 2013 में सन्यास में आया। अच्छा 2013 में। अच्छा अच्छा ठीक। अरे यहाँ फिर आए गए वही एक प्रतिकार लोग एक दो मरतबे किए, फिर इसके अलावा कलेक्टर भी आया दो तीन मरतबे। अच्छा है ना। हाँ। जज साहब भी रायपुर से आए, फिर बिलासपुर से, फिर यहाँ पर्यटन हुआ। अच्छा यहाँ शिविर रखे। हाँ। है ना। ये अच्छा भगवान, जैसे कोई अगर आदमी आना चाहे तो पहले तो आएगा मनेंद्रगढ़, और मनेंद्रगढ़ से फिर ये कितने किलोमीटर है? ये हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर अकलसरई, 40 किलोमीटर पड़ जाएगा मनेंद्रगढ़ से, लगभग 40 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से कोई साधन तो है नहीं, अपने ही साधन से आना पड़ेगा उसे? हाँ, यहाँ साधन नहीं है, यहाँ शाम को आता है मनेंद्रगढ़ से बस। अच्छा शाम को आएगा तो फिर पूरी जाता है। अच्छा अच्छा है ना, लेकिन वहाँ से फिर शाम को यहाँ मिलेगा, 3 बजे छूटता है। अच्छा फिर शाम को यहाँ उतारेगा वो। अच्छा इधर बैकुंठपुर से ही आएगा, मिलान हो जाता है अकला सर आपका। तो भी पैदल तो चलना पड़ेगा उसे? कितना पैदल चलना पड़ेगा? नहीं चलना पड़ेगा। अच्छा पैदल जो नहीं है इसे ना, यहाँ से कोई और साधन मिल जाएगा। सबसे अच्छा ये है वो अपना साधन लेके आए, अपना साधन लेके आए तो बहुत अच्छा है। बस तो टाइम बे टाइम कभी चलती है कभी नहीं चलती है। चलिए भगवान, अच्छा लगा आपसे मिल करके। और हम ये आपका स्थान तो देख रहे थे लेकिन आपका दर्शन नहीं हो रहा था, तो सोच रहे थे शायद दर्शन हो जाता तो और अच्छा रहता, और देखिए प्रभु ने मिला दिया, रास्ते में ही मिला दिया। चलिए भगवान, ओम नमो नारायण।